जय गुरुदेव। आज ये शुभ दिन जो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में माना जा रहा है, इस अवसर पे मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोग श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस टेक्नोलॉजी, अपनी बेंगलोर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आश्रम में जो हेडक्वार्टर्ड है, उससे किसी न किसी रूप में आप इसके साथ संबंध रखे हैं। और हमारा संस्था 22 लाख किसानों के साथ पूरे देश में काम कर रहा है। तो हम प्राइमरीली, आप लोग जो है, आप में से बहुत लोग श्री श्री नेचुरल फार्मिंग की शिक्षक है और शिविर लेते हैं, आप फार्मर की ट्रेनिंग करते हैं। तो ये नेचुरल फार्मिंग की जो एक टेक्नोलॉजी जो अपनी पूर्वज लोग अपनाते थे, जो अपनी परंपरा में है, अपनी डीएनए में है, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश में आप सब लोग जुड़े हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा किसानों के बारे में जिसके पास मेरे ख्याल से 1 हेक्टेयर से कम, मतलब 1 एकड़, 2 एकड़, मैक्सिमम 2.5 एकड़ की जमीन होता है, उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं होता है, रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल होल्डिंग, रेन फेड एग्रीकल्चर, ये आज भी अपना देश में 60% से भी ऊपर जो हमारे किसान भाई लोग हैं, जिसकी किसान की पॉपुलेशन है, उसमें 60% ऐसे किसान मिलेंगे जिनके पास रेन फेड मार्जिनल लैंड होंगे। तो इनकी समस्याएं जो है काफी अलग होता है जब हम कंपेयर करते हैं जिन किसानों के साथ हम आमतौर से हम रिलेशनशिप रखते हैं, ट्रेनिंग रखते हैं। जो किसान थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो, जो किसान के पास थोड़ा सुविधा हो, उसके पास थोड़ा एजुकेशन हो, थोड़ा लैंड होल्डिंग हो, एक 5-10 एकड़ की लैंड होल्डिंग हो, हमारी प्रोफाइल आप देखेंगे अपनी पीजीएस पोर्टल में, हमारे पास कुछ 2000 किसान ग्रुप्स की, क्लस्टर्स की रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसकी प्रोफाइल लेते हैं तो आमतौर से जो किसानों के साथ हम, जिन किसानों के साथ हम काम करते हैं, वो ये डेफिनेशन में नहीं आते हैं जो मार्जिनल रेन फेड फार्मर्स, माने कि उनके पास बारिश के सिवा और कोई पानी की व्यवस्था नहीं रहता है। मोस्टली ये लोग जो है शहर से बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, आदिवासी किसान इनमें बहुत है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ जो हम आदिवासी किसानों के साथ काम करते हैं, ये सब ये कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी समस्याएं कुछ अलग होते हैं, इनके परेशानियां जो हैं, जो पीड़ा जो जो है इनकी, जो पेन पॉइंट्स है वो अलग होता है। तो टीचर्स या वॉलंटियर्स अपनी, मैं आज एक किसान के नाते बात कर रहा हूं, मैं एक साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या अपना आर्ट ऑफ लिविंग एग्रीकल्चर ट्रस्ट की चेयरमैन के नाते बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो एक स्पेस से बात कर रहा हूं कि मैं भी एक किसान हूं और मुझे पता है कि अपनी खेती में, कोई भी खेती चाहे जो भी टेक्नोलॉजी के हो, वो खेती एक एक्सेल शीट और कंप्यूटर में या एक पावर पॉइंट में कभी नहीं होता है। देखिए, एक किसान, खास तौर के मार्जिनल फार्मर किसान, छोटे किसान भाई जो है, उनकी समस्याएं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे होता है। माने उनकी समस्याएं हो सकता है कि जंगली सुअर का, या उनकी समस्या हो सकता है कि बंदर, मंकी डैमेज का, उनकी समस्या हो सकता है फैमिली की न्यूट्रिशन हेल्थ का, उनकी समस्या हो सकता है कि का डिस्प्यूट है, कुछ भी हो सकता है। वो हम अपनी जो शिविर है, नेचुरल फार्मिंग की शिविर है,
उसमें तो हम एड्रेस नहीं करते उन चीजों को, है ना। खास तौर से जो ट्राइबल फार्मर्स है हमारे, आपको पता है कि ट्राइबल लैंड्स को रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोग्राम्स है, योजना है, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास लेके वो डॉक्यूमेंटेशन जो वो लोग चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन ले जाके वो एड्रेस करते हैं, तो उनकी जो ये पीड़ा है, उनकी जो ये पेन पॉइंट है, वो हम सुलझा सकते, लेकिन हमको मालूम नहीं है इसके बारे में। तो आप अगर शिविर भी ले इनको, आपके उनके गांव में जाके आप शिविर ले, उनका बहुत अलग सा प्रॉब्लम होता है। कभी उनके पास कुआं है लेकिन उसमें पंप सेट नहीं है, तो उनका जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और होता है। शिविर हम करते हैं तो फार्मर लोग आते हैं, शिविर में बैठते हैं, सीखते हैं, लेकिन उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम है, हर दिन जो कठिनाइयां फेस करते हैं, उनको हम एड्रेस नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम श्री श्री नेचुरल फार्मिंग की टीचर्स या सेवक हम लोग हैं, तो हम ये सब पेन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरा बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम होता था अपना ये मलनाड एरिया जहाँ हाथी का बहुत डैमेज होता है, तो हाथी का डैमेज के लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फेंस डालते हैं, लेकिन हाथी भी बहुत चालाक है। वो एक बड़ा सा लकड़े का पीस कुछ लेके वो दबा के फिर उसको पूरा नीचे करके उसको क्रॉस कर देते हैं, तो क्या क्या उपाय हो सकता है। फिर हमने एक बहुत ही सिंपल उनको एक उपाय दिया था कि बहुत ही पंजेंट जो चिली है, जो अपना मिर्ची है, जो हम असम में और नागालैंड में भूत जलोकिया बोलते हैं, ये चिली जो है भारत में कहीं भी उगा सकते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी तरह से उगता है। उसका पेस्ट बना के जो है उन्होंने फेंसिंग पे डाला, उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि आजकल जो है अपनी चिकमंगलूर एरिया में जो जो फार्मर हमें हमारे साथ जुड़े हैं, उधर जाएंगे तो आपको ये कल्टीवेशन चलता है भूत जलोकिया का, वो लोग खुद कल्टीवेट करके उसका पेस्ट बना के फेंसिंग में लगाते हैं। ये बहुत ही एक सरल एक उपाय है। हमारे असम में जो है कुछ फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना अदरक की कल्टीवेशन करते हैं। उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि अदरक को जब आप हार्वेस्ट करते हैं, उसका कटाई होता है और फिर उसको स्टोर करते हैं, तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है, मतलब छोटे छोटे नए पौधे आना शुरू हो जाता है और फिर उसका मार्केट रेट एकदम गिर जाता है। इसका बहुत लोग ट्राई किया है कि उसका उपाय कैसा करने का है, एकदम ड्राई रखने का है, वैक्यूम में रखने का है, इसको जो है पैकिंग में करने का है, लेकिन इसमें उनको अच्छा सफलता नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत ही डेस्परेट होके जो है वो किसान लोग जो भी प्राइस मिले उसमें भेज देते हैं, ताकि वो जो रिटेलर उसको सारा का सारा ले जाके उसको रेडिएशन करवा देता है, ताकि उसमें से कोई पौधा निकल ना पाए, है ना। तो बहुत कम टाइम में उसको भेजने का एक एक उत्साह रहता है, और इसी वजह से जो है उनको प्राइस अच्छा नहीं मिलता। हमने एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन दिया उनको कि अपना जो फार्मेसी में ग्लूकोज का पैकेट मिलता है ना, ग्लूकोज जो जो हम लोग लेते हैं ना, अगर बहुत बीमारी हो गया, हमको बहुत थकावट है, तो थोड़ा सा ग्लूकोज लेते हैं, तो ये ग्लूकोज का पैकेट लिया। ग्लूकोज का पैकेट जो है 100 ग्राम का पैकेट जो है आप 200 लीटर पानी में उसको मिला दिया, मिला के जो है आप आपकी अदरक जो है उसमें डिप करके फिर आप उसको सूखने के लिए डाल दिया। वो इतना हल्का सा ग्लूकोज जो है वो दबा देता है, वो जो अदरक है वो जर्मिनेट नहीं होता है, मतलब उससे शूट नहीं आता है, शूट आता है कुछ 6 महीने के बाद ही,
तो किसान को टाइम मिल जाता है, अच्छा दाम कहाँ मिल रहा है वो देख के उसको भेजने का, है ना। बंदर का प्रॉब्लम जो है एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है इसके लिए। शहर में, कोई भी शहर में जहाँ ये जू होता है ना, जो जूज होते हैं जहाँ जानवरों को रखते हैं ना, जू, पब्लिक जू जो होता है, उधर जाके आप वो गेमकीपर से, वार्डन से आप थोड़ा सा ताल्लुकात रखे, उनको बोलिए कि लेपर्ड, टाइगर या लायन, है ना, सिंह या अपना शेर या लेपर्ड, इनका जो यूरिन होता है, मूत्र जो होता है ना, यूरिन, उसको जो है, अगर आप एक बोतल के लिए, वो कुछ पैसा लेगा, 100 रुपये 200 रुपये जो भी है उसको देना पड़ता है, लेकिन वो एक बोतल भी मिल गया आपको, तो उसका जो है एक कप आप तो पानी में मिक्स करके जो है आपकी बाउंड्री में छिड़का दीजिए, तीन तीन छह छह महीना बंदर नहीं आएगा उधर। वो चाहे वो एक शेर को देखा हुआ हो अपनी जिंदगी में या नहीं, लेकिन उसका जो स्मेल है उसको पता है कि इधर डेंजर है, वो नहीं आता है ना। तो ऐसी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जो समस्या, अति बहुत सारे समस्या होते हैं, लेकिन एक टीचर या सेवक होते हुए आप जब जाते हैं गांव में, और खास तौर से अपनी मार्जिनल फार्मर, ये किसान लोगों के साथ जब आप काम करेंगे, तो आप ऐसी जो उनकी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उनको पहचान के उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके जाइए, तो आपको वो किसानों को इतना अच्छा लगता है कि आपने कुछ ऐसा कुछ सलाह लेके आए हैं जिससे उनकी जीवन बदल सकता है। तब जो है उनको हैंड होल्ड करना, उनको नेचुरल फार्मिंग टेक्नोलॉजी में ले आना बहुत आसान है ना। तो ये एक संबंध बनाने बनाना जो है, इसको आप, इस पे थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दे दीजिए, आपके आपस में डिस्कस कीजिए क्या क्या समस्याएं होते हैं हमारे फार्मर्स की रीजनल ग्राउंड लेवल, और फिर आप भी उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको जो है आप फेस करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, हमसे भी बात कीजिए, है ना। तो एक आप एक आपस में एक ग्रुप बन के बना के जो है, हर रीजन का अलग अलग समस्या होते हैं, और आपकी रीजन में क्या समस्या है और कैसे हम लोग उसकी कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इस पे विचार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले साल 2024 में आप सब लोग इस पे भी ध्यान देंगे, और अगले साल की जो किसान, राष्ट्रीय किसान दिवस हम मनाएंगे, तो आप सब लोग आपकी अनुभव शेयर करेंगे, जहां आप लोग जाके मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान भाई लोगों के साथ कैसा काम किया, और उनकी जो ग्रास रूट लेवल में, जो उनकी लेवल पे जो कठिनाइयां हैं, उनका क्या क्या इलाज आपने उनको समझाया, और कैसे उसका प्रभाव से उनका लाइवलीहुड में असर पड़ा, इस पे हम लोग सब बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना छोटा सा एक डिस्कशन समाप्त करता हूं, और सब लोगों को ये राष्ट्रीय किसान दिवस अच्छी तरह से पूरा साल हम लोग मनाना चाहिए, और किसानों की, सबसे ज्यादा मार्जिनल फार्मर जिसके पास 2 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम जमीन है, जिसके पास पानी का सुविधा नहीं है, सिर्फ बारिश की खेती होती है, इनके साथ हम लोग कैसे जुड़े, ताकि हम एक असली हरा क्रांति जो है हम ले आ पाए। जय गुरुदेव।